say thank you very much for your activity. I really enjoy wherever I go. And because of you, I'm here. Thank you so much. मैं शाम को जब शाम होती है तो एक ही राग याद आता है मुझे एक ही राग मैंने सीखा है जिसको हम कहते हैं राग यमन ये एक शाम का संपूर्ण राग है एंड आई रियली एंजॉय एंड आई स्टार्टेड लर्निंग द सेम रागा व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग रागा माय टीचर स्टार्टेड विद यमन सो आई लाइक टू प्ले यमन ए शॉर्ट पीस ऑफ यमन अबाउट वन आवर And short alap, jod, followed by two compositions, set to jhaptal of 10 beats and teental of 16 beats. Are you okay? Or may I change? Ji, ye theek hai ya dusra kuch? Theek hai na? अब ये जो इनके बारे में मीनू के बारे में जो कहा मीनू भी मेरी एक शिष्या है शिष्या क्या है मेरी बहन जैसी है और वो भी बांसुरी अच्छा बजाती है लेकिन कोई तानपुरा प्लेयर नहीं मिला या आईआईटी में तो मैंने उनको कहा तानपुरा
Thank you.
किसी ने नमस्कार अगर किसी ने कुछ पूछना है मुझसे मेरे बारे में नहीं संगीत के बारे में जो मुझे आता है वो ज़रूर बताऊंगा आपको मुझे मालूम है संगीत का यहाँ कोई कोर्स नहीं है ना मैं कहीं भी IIT में नहीं देखा बड़ी ज़रूरत है म्यूज़िक इंजीनियरिंग की बहुत ज़रूरत है मेरी बांसुरी में बनाने से बहुत घबराता हूँ अगर आप लोग कोई भी बता सके कैसे बनाना चाहिए तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए दुनिया के इंजीनियरिंग हो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग हो गया ये होगा एक बांसुरी नहीं बन सकती कृष्ण भगवान जी ने किया होगा इंजीनियरिंग मुझे लगता है म्यूज़िक इंजीनियरिंग किसी ने कुछ पूछना मैं बोर नहीं करना चाहता हूँ हाँ जी इनको माइक्रोफोन दे दीजिए आप सामने आकर अपना नाम बताइए पाँच मिनट के लिए हाँ आइए आइए सामने आइए 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 जी सबसे पहले तो आपको चरण वंदन मैं चिन्मय गौड़ हूँ राजस्थान से आया हूँ मैं भी सर बांसुरी का बहुत शौकीन हूँ और भक्त हूँ अच्छा यहाँ नहीं पढ़ते आप नहीं सर वहाँ से सुनने के लिए आए जी जी सर अरे मैं तो वहाँ जाता हूँ और आपका दीवाना हूँ सर मैं ये तो बढ़िया और मैंने सर अभी 3 साल से MSU फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट से वायोलिन की डिग्री ली है बैचलर की वाह जी गुड कॉन्ग्रेचुलेशन जी सर बांसुरी का जो है मास्टर्स की बैचलर की डिग्री क्यों नहीं मिलती भारत के अंदर मुझे मालूम नहीं कि भगवान कृष्ण ने क्या सोचा था इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया खाली वो गोपियों के पीछे घूमते रहे और कुछ काम नहीं किया उन्होंने सर मेरे जैसे स्टूडेंट को अगर बांसुरी सीखनी हो तो मुझे डिग्री कहीं मिलती नहीं है वो गुरुकुल में तो मेरे पास गुरुकुल है वो तो डिग्री बेचारे जानते ही नहीं डिग्री का मतलब क्या होता है बस वो जाते गाते डिग्री तो अगर कोई जॉब चाहिए तो डिग्री की ज़रूरत पड़ती है आपको नहीं लगता संगीत में डिग्री की ज़रूरत है जी 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 फिर भी आप ज़रूर कोशिश करें अगर कहीं हो जाए कोई कॉलेज में अगर हमारी सरकार को थोड़ी समझ आ जाए कि इसको भी एक विषय बना लें जी तो बहुत अच्छी बात हो पर आखिरी सवाल कि स्पीक में मेके के अंदर इंस्ट्रूमेंटल कुछ डिपार्टमेंट को मतलब कुछ भी नहीं सिखाने के लिए ऐसा क्यों मैं कहूं कि स्पीक मैके जो काम कर रहा है जी जी मैके के हमेशा हर साल मेरे पास 10-12 बच्चे आते हैं जी जी और वो छुट्टी लेके आते हैं उनका पैसा इनका पैसा सारा खर्चा वो स्पीक मैके करती है उनको सिखाती है उनका खाना पीना सब कुछ वो करती है हाँ जी और किसी ने पूछना है झगड़ा हो रहा है जी ऑफ कर दिया इन लोगों ने जानबूझ के सर आपने आपको मतलब पहले अपना नाम बताइए कहाँ पढ़ते हैं क्या पढ़ते मेरा नाम श्री कृष्ण घोष है एंड आई एम फ्रॉम IIT गुवाहाटी ओनली आई एम डूइंग माय PhD इन फिजिक्स डिपार्टमेंट ओके वेरी गुड नाइस मीटिंग यू सर नमस्ते सर मैं भी आपका बहुत बड़ा क्या बोलूँ दीवाना हूँ और मैं फ्लूट बजाता हूँ किसी से सिखा तो नहीं लेकिन आइए ना दो दो हाथ हो जाए नहीं नहीं सर प्लीज और मैं फ्लूट बनाता भी हूँ सर हाँ जी सर आपने बोला ना फ्लूट कैसे बनाना चाहिए तो यही बस आई नो हाउ टू मेक फ्लूट विथ प्रॉपर ट्यून वेरी गुड दैट्स वंडरफुल यू नो एवरीबॉडी शुड नो हाउ टू मेक फ्लूट Because everybody has got different kind of fingering, thick or yeah, thin, yeah. और लड़कियाँ भी बजाती हैं आजकल हाँ तो उसके हिसाब से अपने हिसाब से उनको बनाना पड़ेगा तो सर तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर किसका कोई एक हो कोर्स हो जो कि बच्चे लोगों को मालूम पड़े कैसे बस क्योंकि इसकी फैक्ट्री तो बन नहीं सकती सर एक साइज का तो डायमीटर पता नहीं लेकिन मैं आई नो द हाउ टू विद साइंस एंड तो फिर आप सिखाते क्यों नहीं आपको सिखाना चाहिए सर जान के क्या फायदा सर बांसुरी का बांस मिलता नहीं है सब जगह यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भगवान श्री कृष्ण बहुत चालाक थे उन्होंने न कभी गोपियों को सिखाया और न कभी जंगल में गए तोड़ने के लिए उनको मिल जाता था होल बना के बजा लिया इसलिए सारी गड़बड़ी और कोई बात नहीं थैंक यू जी और किसी ने पूछना कुछ पंडित जी पहाड़ी सुन लेते हैं आपसे मैं मेरी भी यही इच्छा थी बजाने की लेकिन मुझे कहा गया कि आप 1 घंटे से ज़्यादा नहीं बजा सकते अच्छा तो और को पूछना तो नहीं है ना
इनसे कुछ पूछना हो, इनसे कुछ पूछना हो पूछ ले, लड़की को तो एक बार कहने दीजिए बेचारे पे। अपना नाम और पहले क्लास बता दीजिए। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, मैं संपदा हूँ। सर मेरे को आपसे ये पूछना था, जैसे नॉर्मली सारे आप यही पढ़ते हैं? नहीं नहीं, कहाँ? हरियाणा से हूँ मैं। अरे वाह, वहाँ से इतने दूर दूर से लोग आए हैं, बहुत अच्छा। थैंक यू डॉक्टर के साहब, थैंक यू सो मच। देखिए दुनिया के लोग आते हैं सुनते हैं, वाह जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे नॉर्मली सारे इतनी छोटी फ्लूट यूज़ करते हैं, आपकी इतनी बड़ी, वो क्या? नहीं ये मैं अच्छी बात कह रहे हैं, आप अच्छी बात पूछ रहे हैं। लोग भी यही घबराते हैं कि कृष्ण भगवान इतने ताकतवर नहीं थे क्या, मुझसे पूछा कई बार। अरे वो तो हमेशा दूध और रबड़ी खाते थे, हम लोग तो रोटी दाल थोड़ी खाते थे, लेकिन फिर भी वो कमज़ोर थे मुझे लगता है, इसलिए छोटी बजाते थे। हम लोग तो बड़ी बड़ी बजाते हैं। नहीं लेकिन वो क्या होता था उस समय में, मॉडर्न सिस्टम तो नहीं था ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, माइक्रोफोन नहीं था, हैं तो इसलिए वो क्या कहते, छोटी की आवाज़ बहुत श्रील होती थी, बहुत दूर तक लोग सुनते थे, तो इसलिए गोपियों के लिए ज़्यादा जोर बजाते थे ताकि वो सुन के आ जाए, और माइक्रोफोन होता था तो वो ज़रूर बड़ी बजाते थे। थैंक यू सर। बस थक गए ना, मुझे वहाँ चलो। हाँ जी पहाड़ी जरूर बजाऊंगा, जरूर बजाऊंगा, मध्यम लगा जाओ। सही बजता नहीं है, सीखना चाहिए।
थैंक यू सो मच. नमस्कार.